Next one, question number 9. Nita saves rupees 400 from her salary. अपनी जो भी उसकी सैलरी है उसमें से 400 रुपीज सेव करती है. इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी? मान लो आप कह रहे हो कि आपकी इनकम जो है 10,000 रुपीज है, आप इसका 10% सेव करना चाहते हो, तो आप 10% ऑफ किसका करोगे? 10,000. कितना सेव करोगे? परसेंट की जगह पे 100 अपॉन में 10,000. 20 से 20 कैंसिल, 1,000. तो आप कहोगे मुझे 1,000 रुपीज सेव करना है, मेरी सैलरी 10,000 है, मैं उसका 10% सेव करना चाहता हूँ, तो 10% ऑफ 10,000 इज 1,000. इट मीन्स मुझे 1,000 रुपीज बचाने हैं, सेव करने हैं. सिमिलर क्वेश्चन है ये. मीता सेव्स रुपीज 400 फ्रॉम हर सैलरी. अब इसमें सैलरी नहीं पता, उसमें तो सैलरी मैंने कहा था 10,000 है, मुझे बताना है कि कितने परसेंट बचाऊं. अगर मैं उसका 10% बचाना चाहती हूँ तो कितने रुपीज सेव करूं? डेट वॉज 1,000. अब इसमें मुझे सैलरी नहीं पता. लेट द सैलरी ऑफ मीता, लेट द सैलरी ऑफ मीता बी रुपीज एक्स. एक्स रुपीज उसकी सैलरी है. मीता सेव्स 10% ऑफ हर सैलरी और वो 10% कितना है? रुपीज 400 के इक्वल है. मतलब उसकी सैलरी का 10% है 400 रुपीज. परसेंटेज का साइन हटाएंगे, अपॉन में 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई. हर सैलरी हमने कितनी मानी? एक्स रुपीज. किसके इक्वल है? 400 के. 0 से 0 कैंसिल, एक्स अपॉन 10 इज इक्वल्स टू रुपीज 400. सो एक्स इज इक्वल्स टू रुपीज 400 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ गया? रुपीज 4,000. हेंस मीता सैलरी बी, हेंस मीता सैलरी इज रुपीज 4,000. मतलब 4,000 उसकी सैलरी थी, तो उसने उसका 10% 400 रुपीज सेव किए. क्लियर? हमने सैलरी नहीं पता था, हमने वो मान लिया एक्स. सैलरी का कितना परसेंट बचाती है? 10%. और वो 10% कितना है? डेट इज 400. ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, सैलरी मानी एक्स इक्वल्स टू 400, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी, जो एक्चुअल सैलरी थी, वो कितनी थी? 4,000 रुपीज.